हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डॉक्टर सारिका और आज आपको दिखाने वाली हूँ पन्ना मीणा की बावड़ी, जो आमेर में आप मेरे पीछे बैकड्रॉप में देख सकते हैं। और यहाँ की जो खास बात है कि ऐतिहासिक काल के अंदर जितने राजा महाराजा हुआ करते थे आमेर में, पन्ना मीणा की बावड़ी में यहाँ पर नहाने के लिए या जो भी उनके मनोरंजन के कार्य हुआ करते थे वो इस स्थान पर आया करते थे। रंग रंगीली छैल छबीली धरती जो राजस्थान की है उसका रंग आज हम इस पन्ना मीणा की बावड़ी में दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको ले चलती हूं पन्ना मीणा की बावड़ी। चलिए, जब आप आमेर किले की तरफ बढ़ते हैं तो आमेर कस्बे में बिल्कुल बीचों बीच आपको एक खूबसूरत बावड़ी दिखाई देगी जिसे पन्ना मीणा की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बावड़ी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ राजस्थान की फेमस चांद बावड़ी की तरह ही ज़्यादा रोक टोक नहीं है, मतलब आप आराम से खूबसूरत तस्वीरें खींच सकते हैं, सनराइज़ और सनसेट का भी मज़ा ले सकते हैं और साथ ही इसकी एंट्री भी बिल्कुल मुफ्त है। इस बावड़ी को पन्ना मीणा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत आकर्षक इस बावड़ी के एक ओर जयगढ़ का फोर्ट व दूसरी ओर पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता है। आमेर के राजमहलों से कुछ दूरी पर बने रियासतकालीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना पन्ना मीणा का कुंड अद्भुत आकार की सीढ़ियों, अष्टभुजा किनारों और अपने बरामदों के लिए विख्यात है। राजस्थान की फेमस आभानेरी की चांद बावड़ी और हाड़ी रानी की बावड़ी की तरह ही इसमें भी तीन तरफ सीढ़ियां हैं। इसके चारों किनारों पर छोटी छोटी छतरियां और लघु देवालय इसे मनोहारी रूप प्रदान करते हैं। आपको बता दें, इस बावड़ी का इस्तेमाल पुराने समय में जल भंडार के लिए किया जाता था। माना जाता है कि महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान पन्ना मीणा नामक व्यक्ति ने आमेर किले की शाही अदालत में सेवा की और उन्होंने इस बावड़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इसका नाम पन्ना मीणा बावड़ी पड़ा। उत्कृष्ट जल संरक्षण और वास्तुकला का नमूना होती हैं बावड़ियां। जयपुर की पन्ना मीणा बावड़ी भी इन्हीं में से एक है। ये बावड़ी न केवल इतिहास प्रेमियों बल्कि आज की युवा पीढ़ी के बीच भी बेहद पॉपुलर है। ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ लगभग 1000 साल पुरानी इस बावड़ी की तस्वीरें आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं। ये बावड़ी 8 मंजिला है और इसके तीनों तरफ तकरीबन 1800 सीढ़ियां बनी हैं। इसकी गहराई लगभग 200 फीट है। रियासतकालीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना है ये बावड़ी। इसकी गहराई लगभग 200 फीट है। आपको यहाँ आसानी से कैमरामैन और यूट्यूबर वीडियो बनाते हुए दिख जाएंगे। शायद यही इस बावड़ी की खूबसूरती है। ये बावड़ी जयपुर रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर और बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। जब आप जयगढ़ और आमेर के किले की ओर जाते हैं तो पुराने आमेर कस्बे में ये पन्ना मीणा की सुंदर बावड़ी दिखाई देगी। बाहर से साधारण दिखने वाली ये बावड़ी अंदर से रियासतकालीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना जान पड़ेगी। किसी टाइम में ये बावड़ी आसपास के इलाके के लोगों के पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। Thank you.
तो ये थी पन्ना मीणा की बावड़ी, जो राजस्थान के रंगीले रंग आपने इसमें देखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक झकझोर देने वाली और एक मीठी सी हलचल मचा देने वाली जो वीडियो है आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होगी। तो और कुछ ऐसी रोचक वीडियोस देखने के लिए और बहुत सारे अनछुए जो कुछ पहलू हैं राजस्थान के और अलग अलग जगह के, वो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 5 Colors of Travel। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही तमाम और बाकी वीडियोस और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हुए हम आपको बहुत सी ऐसी नई चीजें आने वाले टाइम में जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मस्ती की धुन में गाते रहिए 5 Colors of Travel के साथ।